जानू हत्याकांड का मुख्य आरोपी व 25,000 का इनामी बदमाश सुमित राणा और उसका एक साथी पीयूष गिरफ्तार हो गया है। पूर्व कांग्रेसी व वाल्मीकि समाज के नेता राजेंद्र वाल्मीकि के बेटे जानू वाल्मीकि के बहुचर्चित हत्याकांड में शामिल सुमित राणा अब पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, जिसके बाद यमुनानगर पुलिस इसे यमुनानगर ले आई और कोर्ट में पेश कर उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। डीएसपी कमलजीत सिंह ने बताया कि इस हत्याकांड से जुड़ा एक और मुख्य आरोपी सचिन पंडित अभी फरार है, उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके बारे हमने आसपास सभी एजेंसी जितनी थी हमारे सराउंडिंग में उनसे हमने पहले भी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई थी, तो इसके रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस को भी लीड मिली थी, तो दिल्ली पुलिस ने अपने इन्फॉर्मेशन के आधार पर सुमित राणा को गिरफ्तार किया। उसकी पूछताछ में उसने हमारे जानू हत्याकांड के बारे में बताया, तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी, तो हम कल जाके इसको अरेस्ट करके वहाँ से लिए। उसके बाद आगे हमने इसको डेवलप किया, डेवलप करने के बाद हमें आगे एक पीयूष नाम का जो दोषी था तो उसको भी हमने गिरफ्तार किया। हाँ, सुमित राणा है नाम। कितना था सर इनाम इसका? 25,000 का नाम है सर। इसके बारे में हमने इसे रिमांड लिया, तो उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। कितने दिन का रिमांड है सर? 4 दिन का। देश के विभिन्न हिस्सों में अफीम की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को बहादुरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बहादुरगढ़ की CIA 2 पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1.5 किलो अफीम बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस अफीम की कीमत करीब 2 लाख रूपये आंकी गई है। 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। कल शाम को हमारी CIA सेकंड टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 3 लड़के हैं जो कि बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं, जो बिहार से अफीम और कुछ जो अलग और दूसरे कॉन्ट्रैबैंड सब्सटेंसेस हैं उनको लेकर दिल्ली NCR के इलाके में सफाई करते थे। तो कल शाम हमने 3 लोगों को टुटू संजय संतोष जो कि बिहार के और झारखंड के रहने वाले हैं, इन लोगों को टिकरी बॉर्डर के पास से अरेस्ट किया था। इनके पास से करीब हमारे को 1.5 किलो अफीम मिली है जो कि उन्हें आसपास की कंपनियों से सप्लाई कर दी। तीनों लोगों को आज हम 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए हम कोर्ट में पेश करेंगे। तो बाकी जो इनका जो कपड़ा नेटवर्क है जहाँ से लेके आए थे, तो कुछ जगह जहाँ दिखने सप्लाई करते थे उन लोगों को हम क्रैक करेंगे। लंपी वायरस मामले में जिला रेवाड़ी से राहत भरी खबर ये है। हालांकि संदिग्ध पशुओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल लैब में भेजे गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। टीकाकरण का आंकड़ा 37,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि पूरे जिले में गौवंश की संख्या 40,000 बताई जा रही है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने पशुपालकों से सरकार और विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही राज्य और अंतर जिला में पशुओं के आने जाने और खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। रेवाड़ी जिले में हमारे पास लंपी स्किन डिजीज के अभी केसेस एक दो आने लगे हैं, उनकी अभी रिपोर्ट ना कहते हैं आई है आज ही, तो वो भेज रहे हैं। बाकी आज हमारे SDO साहिबान गए हुए हैं गाँव में चेक करने के लिए, जहाँ से रिपोर्ट आई थी कि भाई वो लंपी गए हैं। बाकी 30,000 के आसपास हमारे पास वैक्सीन रेवाड़ी जिले में आ चुकी है और जो विभिन्न सब डिवीज़न के गांवों में लग रही है, खास तौर पे जो बावल एरिया के बॉर्डर एरिया है राजस्थान या महेंद्रगढ़ जिले के जो नज़दीक लगते हुए गांव हैं उनके अंदर वैक्सीनेशन का कार्य पहले प्रायोरिटी बेसिस पे चल रहा है। सभी गायों में पहले वैक्सीन लगाई जा रही है और गायों में ही मेनली इसके लक्षण आते हैं। भारी भरकम बिजली के बिल को लेकर बिजली कार्यालय के बाहर परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि इतना भारी भरकम बिल उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा और बिजली विभाग उन्हें कह रही है कि बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो अधिकारियों को बताएं, हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं कैसे इतना बिल भरेंगे, इसलिए आज बिजली कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। दो महीने बिल सब वेख लो तुम हम इना बिल कौन तारेगा।
कितना बिल आपकी बारह 4892 रुपये एक महीने का। एक महीना मेरा गया। और पिछला कितना था? पिछला है पिछले महीने का दिता 3500 रुपया। उस तो पिछले महीने का आया वो कितने महीने का रुपये? वो कितने महीने का था? दो महीने का 627 रुपये। महीने का ही दो पिछले महीने का 3500 रुपया आया तो हूँ 4892 रुपये आया। कौन देगा यार? इंद्री गांव हैबतपुर के सरकारी मिडिल स्कूल में कार्यरत दो शिक्षकों का तबादला करने से नाराज ग्रामीणों ने आज विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गांव हैबतपुर के स्कूल में दो शिक्षक कार्यरत थे लेकिन सरकार ने इन शिक्षकों को तबादला कर दिया। हैरानी की बात तो ये बताई गई है कि सरकारी स्कूल में 47 विद्यार्थी हैं और दो ही शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे थे। सरकार ने इन दोनों शिक्षकों का तबादला स्कूल से नेलोखेड़ी क्षेत्र के स्कूल में कर दिया और स्कूल में केवल एक शिक्षक को भेजने के आदेश दिए हैं। ये शिक्षक भी मुख्य अध्यापक के तौर पर भेजा गया है। ऐसे कैसे पढ़ेंगे गांव के बच्चे, ये है चिंता का विषय। गांव हैबतपुर के लोग यहाँ भी मिलने आए थे मेरे से, उन सब ने ये बताया कि यहाँ स्कूल से जो है ट्रांसफर हो गया टीचर्स की, कोई भी टीचर उनके स्कूल में नहीं रहा, केवल हेडमास्टर जो है स्कूल के वो रहेंगे। फिर मैंने उनको आश्वासन दिया है DW करनाल से बात करके कि 31 तक यही पुराने टीचर रहेंगे और 1 तारीख से जो है सभी अन्य स्कूल से टीचर जो सरप्लस होंगे वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे। और सरकार की भी नीति है कि अभी ड्राइव दोबारा चलाई जाएगी, जो भी जिन अध्यापकों को स्टेशन नहीं मिला है उन सब की अभी ट्रांसफर में इन स्कूलों में एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। पुराने टीचर तो ट्रांसफ़र हो गए हैं पॉलिसी के तहत, तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सरकार की पॉलिसी है उनको ट्रांसफ़र होना ही था वहाँ से, और जल्दी ही 1 तारीख के बाद एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।